आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। वली माँ की ज्यादतियों पर मरहम रखने के लिए मीरू को शादी की ऑफ़र कर देता है। नानी को अपने साथ ले जाता है मगर वो अपनी बेटी फ़ायज़ा की इस फाकी से डरती है कि वो शैतान बन चुकी है। शैतान जो कि आग का बना होता है, जिसका काम सिर्फ जलाना होता है, उसकी नज़र में कोई रिश्ता, कोई एहसास बाकी नहीं रहता। सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी अना और ख़ुद परस्ती बाकी रहती है। फ़ायज़ा पर ताज़ियाने बरसने लगते हैं, बेदर पे मुख्तलिफ़ वाक़ियात उसको चुकन्ना करने लगते हैं। कभी सोबिया का माँ तक पहुँचना, कभी रामीन की तलाक, फिर रामीन का माँ के सामने खड़े होना, जवाब देना, उसका एतमाद, शाहनवाज का फ़ायज़ा बेगम को डराना, अपनी राह अलग करना, रामीन का रेहान के साथ रिश्ता तय होना और फिर माँ का ओल्ड हाउस से गायब हो जाना। मीरू का जले वजूद के साथ गायब हो जाना मशकूक हो जाती है और सोचने लग जाती है क्यों हर काम उलट हो रहा है, क्यों हर काम गलत हो रहा है। मगर चूंकि शुरू से कामयाबियों के झंडे गाड़ती हुई आई थी, इसलिए डरती नहीं है। लेकिन अब उसके गुनाहों का बोझ बहुत भर चुका होता है, जिसको उतारना ज़रूरी हो जाता है और ये जिम्मा उसका बेटा वली लेता है। वरना और ना जाने कितनी जिंदगियां ख़त्म हो जाती, बर्बाद हो जाती और उनका चिराग गुल हो जाता। औलाद तो फ़र्ज़ कफ़ाया होती है, वालदेन का नाम रोशन करती है। चुनाचा वली भी अपनी माँ और बाप का हाथ रोक कर उन्हें मजीद गुनाहगार होने से बचाना चाहता है। पता नहीं एक औरत इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। हमारे ड्रामों में भी यही अंसर आजकल गालिब है। औरत जुल्म कर रही है, औरत जादू कर रही है, औरत दौलत पर कब्ज़ा कर रही है, औरत दूसरी औरत को मार रही है, या शायद यही हमारे माशरे का अलमिया है। और हमारे माशरे में ये चीज़ें मौजूद हैं और थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।